समास का मतलब होता है जोड़ना, दो दो तीन शब्द होते हैं जिनका मतलब जोड़ना ही होता है, जैसे संयोग हो गया, संधि हो गई, समास हो गया, इन तीनों का अर्थ है मिलाना या जोड़ना, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को ये मिलाते हैं। संयोग किसको मिलाता है? दो वर्णों को, दो वर्णों को मिलाएगा लेकिन बिना परिवर्तन के। अब हमने वर्ण विच्छेद किया था, उसमें हमने कै लिख दिया और कै में ए मिलाना हो तो ये पूरा कै हो जाएगा, तो ये संयोग किया है हमने। या किसी व्यंजन के पास व्यंजन बिना परिवर्तन के आ जाए तो वो भी संयोग होता है, तो संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और संधि में क्या होता है? मिलते वर्ण ही हैं लेकिन परिवर्तन के साथ, परिवर्तन आ जाता है उसमें। मान लो शब्द ले लिया हमने जगत प्लस में नाथ, और ये शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। तो यहाँ पे जो ये तय था ये किस में चेंज हो गया? न में। तो ध्वनि जहाँ पे चेंज हो जाए उसको बोलते हैं संधि। तो संधि में क्या मिलेंगे? वर्ण मिलेंगे, और वर्ण मिलने के बाद शब्द मिलेंगे, दोनों चीज मिलेंगी। ये क्वेश्चन आ चुका है, संधि में वर्ण मिलेंगे पहले और वर्णों के बाद क्या मिलेंगे? शब्द मिलेंगे, जबकि समास में शब्द ही मिल जाते हैं। शब्द कहो या पद कहो, दोनों को मिला दिया जाता है। समास क्या है? एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है, नया शब्द बनाते हैं हम। जैसे हमने प्रत्यय से एक नया शब्द बनाया, उपसर्ग से एक नया शब्द बनाएंगे, संधि से भी एक नया शब्द बनाएंगे, इसी तरह हम समास से भी एक नया शब्द बनाएंगे। बल्कि संस्कृत तो ये कहती है कि जो संधि होती है ना वो समास में होती ही होती है, समास बिना संधि के हो ही नहीं सकता। तो समास में भी कहीं ना कहीं संधि छुपी हुई होती है। तो समास की परिभाषा लिखते हैं हम, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, या फिर लिख सकते हो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा पदों को मिलाकर एक पद बना देना, एक पद बना देना समास कहलाता है या समास होता है। जब दो से ज्यादा पद मिला के एक पद बना देंगे, दो भी हो सकते हैं दो से ज्यादा भी, आम तौर पे दो ही पद मिलेंगे आपको, पर बहुव्रीही और द्वंद्व इन दो समासों में दो से ज्यादा पद रह सकते हैं, पर वो उदाहरण ज़्यादातर संस्कृत में मिलते हैं, हिंदी में सिर्फ दो पदों वाले ही मिलेंगे आपको। तो दो पदों को जहाँ पे मिला के एक पद बना दिया वो समास हो जाएगा। अब हमें बोलना है कि गंगा का जल, गंगा का जल, इसमें दो पद है, एक गंगा पद है एक जल पद है, इसका समास करेंगे हम तो ये शब्द बनेगा गंगा जल। अब ये एक पद बन गया, ये एक पद हो गया, पहले ये दो पद थे तो छोटा कर दिया ना, बड़े से क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो इसका एक नाम संक्षिप्त पद भी होता है, संक्षिप्त पद, समास या संक्षिप्त पद। एक इसका तीसरा नाम भी है समस्त पद, समस्त पद। एक बार समस्त पद शब्द आ चुका है तो समस्त पद पूछे तो भी समास ही पूछ रहा है आपसे, संक्षिप्त पद पूछे तो भी समास ही पूछा जा रहा है, तीनों शब्द ध्यान होने चाहिए। अब इसको तो बोलेंगे समास या सामासिक पद, और इसको बोलेंगे हम विग्रह। तो दो चीजें ध्यान रखनी होगी समास में, विग्रह क्या है और वो सामासिक पद बना क्या है। तो ये सामासिक पद हो गया और ये क्या हो गया? विग्रह हो गया। विग्रह से हमने समास किया, प्रथम रूप विग्रह होता है, पहले विग्रह होता है बाद में समास होता है। तो जब विग्रह से हम समास करते हैं तो एक शब्द का लोप करते हैं, विभक्ति का, यानी कारक चिन्ह जो होता है उसको हम काट देते हैं, कारक चिन्ह का लोप कर देते हैं जब हम समास करते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम करते हैं भेद,
अच्छा, समास के एक बार प्रश्न आ गया प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर भेद चार होते हैं, ये 2017 के पेपर में आ चुका है, वहाँ लिख रखा था प्रधानता के आधार पे समास के भेद छः होते हैं, और ये लाइन उन्होंने गलत मानी थी, ये पूछा था इनमें से कौन सा गलत है, तो वो गलत हो गया। तो चार भेद होंगे प्रधानता के आधार पर। पहला अव्यभाव, कोई भी पहले और बाद में लिख सकते हो, अव्यभाव। दूसरा होएगा द्वंद्व, और तीसरा होएगा बहुव्रीही, चौथा होगा तत्पुरुष। आप पहले तत्पुरुष भी लिख सकते हो, पहले बहुव्रीही भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानता जो पूछी जाएगी इन चार में ही पूछी जाएगी। इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद, और पहले पद को पूर्व पद भी कहते हैं, पूर्व पद प्रधान। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। बहुव्रीही में अन्य पद प्रधान होता है, और अन्य पद को कभी कभी तीसरा पद भी कह देते हैं। और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, और दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं। प्रधानता पूछी जाएगी तो सिर्फ इन चारों में ही पूछी जाएगी, और प्रधानता के आधार पे चार भेद है। अब यूं आ जाए समास के कितने भेद हैं, तो चार भेद हैं। चार वाला ऑप्शन में ना हो तो छह भी कर सकते हो आप, तो ये पूछेंगे आपसे। अब तत्पुरुष जो समास है इसके दो भेद हैं, तत्पुरुष के दो भेद हैं, एक है समानाधिकरण तत्पुरुष। अभी तो सिर्फ हम नाम लिख रहे हैं, पहले एक ढांचा तैयार कर लेते हैं, बाद में इनके उदाहरण कर लेंगे। तो हमें कम से कम ये तो पता चले कि हमें ये भेद करने हैं समास के, इतने सारे भेद हैं। तो मैं एक ढांचा टाइप बना रही हूँ पहले, फिर उदाहरण करते हैं सबके। समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, इसी का दूसरा नाम कर्मधारय है। कर्मधारय सुना है ना आपने, तो कर्मधारय का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष। दूसरा इसका भेद होता है व्याधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण मत कर देना, व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं, कर्मधारय को। कर्मधारय का ही भेद द्विगु होता है, कर्मधारय का भेद ही क्या होता है, द्विगु होता है। ये जो व्याधिकरण तत्पुरुष है ये छह प्रकार का है, इसमें से पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, अगला कौन सा होना चाहिए, अपादान तत्पुरुष, और अगला कौन सा होना चाहिए, संबंध तत्पुरुष, अगला कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष। कारक के नाम होते हैं ना, उनके आधार पे हैं ये सारे के सारे, अधिकरण तत्पुरुष। ये छह भेद हो गए, या फिर यूं कह सकते हैं वैधिकरण तत्पुरुष ही के टाइप है ये। इसके अलावा भी तत्पुरुष के अन्य भेद होते हैं, तत्पुरुष के अन्य भेद। अन्य भेद में है अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, एक है उपपद तत्पुरुष, एक है न्याय तत्पुरुष, और एक होता है मध्यपदलोपी तत्पुरुष।
मध्य पदलोपी तत्पुरुष, ये भेद भी तत्पुरुष के होते हैं। अब ये इतने सारे भेद हो गए, अब हम उदाहरण करेंगे। ये लिख लिए सबने, फटाफट लिख लो। ये प्रमुख रूप से चार ही भेद होते हैं इसके, तत्पुरुष के। तत्पुरुष के प्रमुख रूप से दो प्रकार का हो गया, समानाधिकरण और व्याधिकरण। फिर व्याधिकरण छह टाइप का हो गया और समानाधिकरण का एक भेद और हो गया आगे दीव। कौन सा पद प्रधान था इसमें? पहला पद प्रधान। तो ये दोबारा मैं नहीं लिखूंगी, इसमें पहला पद प्रधान होता है। पर पहचान क्या है इसकी? पहला पद अव्यय भी होता है, तभी तो इसका नाम है अव्यभाव। पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ समझ रहे हो आप? अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो, व्यय का मतलब खर्च हो, अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो। और जो चीज खर्च ना होगी वो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये ऐसे शब्द है जो कभी चेंज नहीं होते, जो कभी चेंज नहीं होते और किसी भी शब्द की शुरुआत में आते हैं। ये वाले अव्यय, अव्यय तो बहुत सारे होते हैं जो वाक्य के बीच में भी आ जाते हैं, पर ये कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो पद की शुरुआत में आते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं वो भी तो पद की शुरुआत में आते हैं ना, शब्द से पहले जुड़ते हैं। और लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से तो उपसर्ग भी चेंज नहीं होते। इसका मतलब उनको भी हम कुछ हद तक अव्यय मान सकते हैं, बल्कि संस्कृत में तो पढ़ा गया है कि जो सारे उपसर्ग होते हैं वो अव्यय ही होते हैं। तो उपसर्ग भी आ सकते हैं इसमें, कुछ अव्यय हो या उपसर्ग हो। हाँ, अव्यय का ही दूसरा नाम अविकारी है। या फिर पुनरावृत्ति हो तो अव्यभाव समास होता है। पुनरावृत्ति हो जाए, पहला पद अव्यय हो या पहला पद उपसर्ग हो। उपसर्ग भी इसमें सोच समझ के लेने पड़ेंगे। अगर कोई उपसर्ग कोई और अर्थ जैसे विशेषण बन जाए, अभाव दर्शाए, तो वो इसमें नहीं आएगा। मैं लिखवा दूंगी कौन कौन से नहीं आएंगे। तो पुनरावृत्ति देखो, पहले पुनरावृत्ति कैसे होती है? एक शब्द दिनों दिन, यानी एक शब्द दो बार आ गया इसमें। ऐसे शब्द अव्यभाव समास के उदाहरण होते हैं। रातों रात, बातों बात, कानों कान, बारंबार, ये शब्द अव्यभाव होंगे। अब यथा एक शब्द है, यथा एक अव्यय होता है। यथा शब्द से बना हुए सारे शब्द अव्यभाव के उदाहरण हो जाएंगे। यथा शक्ति, यथा मति, यथा बुद्धि, ऐसे और भी अव्यय होते हैं। जैसे भर एक अव्यय है, तो भर शब्द से बने हुए सारे शब्द आ जाएंगे। भरपेट, भरपूर, भरशक, भरपाई, ऐसे बहुत सारे शब्द। तो सारे बोर्ड पे तो नहीं लिख सकते हैं ना, हम कुछ एक लिख सकते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि जिस शब्द का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होगा वो अविभाव समास होगा। एक आधा और लिख देती हूँ। मान लो शब्द आ गया यावत। अब ये मूल अव्यय तो यावत है, पर यावत प्लस जीवन करेंगे ना, तो ये शब्द बन जाएगा यावत जीवन, संधि हो जाएगी यहाँ पे। तो यावत जीवन, ये भी अविभाव समास का उदाहरण है। एक आधा उपसर्ग और लिख देती हूँ। जैसे आ गया, उप आ गया, अनु आ गया, प्रति आ गया, ऐसे कुछ उपसर्ग भी आ सकते हैं। आ से आजीवन, यावत जीवन और आजीवन का मतलब एक ही होता है। यावत का मतलब तक, आ का मतलब भी तक ही होता है। आजीवन का अर्थ है जीवन भर, आमरण का मतलब मृत्यु तक। आपाद मस्तक, मात पैरों से लेके माथे तक। एक शब्द होता है आजानु बाहु, आजानु बाहु। जानु का मतलब घुटने, बाहु का मतलब बाजू, जिसकी बाजू घुटने तक लंबी हो। श्री राम के लिए प्रयोग किया जाता है ये। तो इसमें दो समास हो जाएंगे। एक समास इसमें बहुव्रीही होगा भाई, और बहुव्रीही ऑप्शन में ना हो तो अविभाव भी होगा। उप से भी बन सकते हैं, जैसे उपवन, उपवास,
उपकार बहुत सारे शब्द अनु से भी बन सकते हैं, जैसे अनुकरण, अनुमान, बहुत सारे शब्द तो बना सकते हैं ना। उपसर्ग भी जोड़ सकते हैं और अव्यय भी जोड़ सकते हैं या फिर पुनरावृत्ति हो जाए। अब हमें बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको किताब में, तो एक बार प्रैक्टिस वहां से करनी है। आपको पता है कि हम सारे शब्द बोर्ड पे नहीं लिख सकते, बहुत सारे शब्द होते हैं हिंदी के अंदर, तो ये सारे आप कर लेना। अब कुछ एक अपवाद हैं जो इसमें नहीं आएंगे, अपवाद कह सकते हो, या फिर उनका और अर्थ निकल जाता है, वो इसलिए इसमें नहीं आते, तो वो अलग से लिख लेंगे। सु, कु, दुर, अद, खुश, बद, का, ये उपसर्ग होते हैं और ये उपसर्ग कर्मधारय में आएंगे। अपवाद तो ना लिखो क्योंकि ये विशेषण बन जाते हैं, इसलिए ये कर्मधारय में चले जाते हैं। हाँ, ये कर्मधारय समास में आ जाएंगे, ये कर्मधारय समास में आएंगे। आएंगे लिख लेना। दूसरा, ए, अन, नै पे हलंत है और एक बिना हलंत वाला भी है ये, और ना, ये नै तत्पुरुष में आएंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व की पहचान करनी हो तो विग्रह करेंगे और विग्रह करने के बाद दो पदों के बीच में या शब्द आ जाए और शब्द आ जाए तो वो द्वंद्व समास होता है, ये इसकी पहचान होती है। बहुत आसान सा है ये, आप खुद ही कर दोगे बिना करवाए ही। राधा कृष्ण, विग्रह करो फटाफट, राधा और कृष्ण, जैसे गौरी शंकर आ जाए, गौरी और शंकर, सीता राम, सीता और राम, रात दिन, रात और दिन, लाभ आनी, लाभ और आनी। अब ना एक समय पे दोनों भी हो सकते हैं, किसी में लाभ किसी में आनी, एक चीज हो तो एक या तो लाभ होगा या फिर आनी होगी, तो इसका विग्रह लाभ या आनी भी कर सकते हैं। एक शब्द होता है लाभा लाभ, इसका विग्रह करो भाई, लाभ और लाभ, लाभ या अलाभ, ये बन जाएगा इसका। इसी तरह का एक शब्द है सत्या सत्य, सत्य और असत्य, कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, ऐसे भी शब्द आते हैं। जल वायु, इसका करो विग्रह, जल और वायु, ये ठीक है इसका, जल और वायु, पर हमें पता है जल वायु शब्द में सिर्फ जल और वायु नहीं होती, और भी कुछ होता है, तो इसका विग्रह आप ऐसे भी कर सकते हो, जल कोमा वायु आदि। अगर हमें लगे कि इस चीज में दो से ज्यादा तत्व हो सकते हैं तो उसका विग्रह ऐसे कर सकते हैं हम, जैसे चाय पानी, तो चाय और पानी ठीक है, पर चाय कोमा पानी आदि, ये शब्द भी ठीक है। अब शब्द आ जाए दो तीन, ऐसे शब्द भी आते हैं इसमें, इसका विग्रह करो दो या तीन, ये भी ठीक है भाई, लेकिन ये भी तो ठीक होता है दो और तीन। कोई बोले कि मेरे पास दो तीन रुपए पड़े होंगे,
दो भी हो सकते हैं, तीन दोनों भी हो सकते हैं, या सिर्फ दो हो सकते हैं या सिर्फ तीन हो सकते हैं, तो दोनों ही बात हो सकती है, दोनों विग्रह ठीक है इसके। एक बार एक शब्द आया था चतुर्दश, 2014 में आया था, ये काफी पहले। इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा, और होगा तो विग्रह क्या होगा? चार और दश, चार और दश। काउंटिंग, अच्छा वो द्विगु समास क्या होता है, जिसका पहला पद संख्या हो, जिसका पहला पद संख्या हो, मतलब एक पद संख्या हो तो द्विगु होगा, अगर दोनों पद संख्या हो गए तो द्वंद्व में आ जाएगा। चतुर का मतलब चार और दस का मतलब दश, इसके दोनों पद संख्या हो गए। ऊपर वाला भी तो सेम है, दो भी संख्या है और तीन भी संख्या है, दोनों पद संख्या हो गए। शब्द आ जाए 68, 68 का अड़ का मतलब 8 होता है, 60 का मतलब 60, दोनों पद संख्या है, 25 का मतलब 5 और 20, तो ऐसे गिनती वाले शब्द आ सकते हैं। पर इसमें ध्यान रखना 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 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
उपसर्ग जुड़ जाता है पहले, जिसका मतलब होता है एक कम, वो नहीं आएंगे। बाकी सारे शब्द आ सकते हैं जिसमें दो संख्या हो। सो शब्द भी नहीं आएगा, सो में तो पद ही एक होता है ना। समास ढूंढने के लिए कम से कम उसमें दो पद जुड़े हुए होने चाहिए, ये देख लेना। हो जाएगा ये भी, द्वंद्व समास बड़ा आसान सा है। चलू आगे, अगला है बहुव्रीही। लिखाई समझ में आ रही है? बहुव्रीही में कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान। अन्य का मतलब तीसरा पद प्रधान। तीसरा पद क्यों बोला गया? आमतौर पे हम रट्टा मार के रखते हैं कि जो एक होगा, जो विशेष होगा, वही क्या होगा? बहुव्रीही समास होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुव्रीही समास होता है वो एक भी हो सकता है, वो अनेक भी हो सकता है। वो तो उसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा कि वो एक है या अनेक है। हमें ये देखना है कि जो दो पद हैं उनसे अलग अर्थ निकलना चाहिए, तो बहुव्रीही समास है। उदाहरण है चंद्रशेखर। आसान सा उदाहरण लिया है मैंने, चंद्रशेखर। इसमें दो पद जुड़े हुए हैं, एक तो चंद्र और एक शेखर। चंद्र का मतलब चांद और शेखर का मतलब शिखर या सिर के ऊपर, ये इसका अर्थ है। पर इसका अर्थ हम लगाते हैं शिव, है ना? इसका अर्थ क्या होता है? शिव। अब शिव का मेल ना ही तो चांद से खाता है, ना ही शिखर से खाता है। शब्द तो अलग है ना, शिव से मिलता हुआ शब्द तो नहीं है यहाँ पे। तो इसमें बहुव्रीही समास है। विग्रह कैसे करोगे? चंद्र है सिर पर जिसके, या शेखर पर जिसके, ऐसे भी बोल सकते हो आप, शेखर पर जिसके अर्थार्थ शिव। तो इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीही समास। अब है ना, ऐसे सारे ले लो उदाहरण, चंद्रमौली, विग्रह करो इसका। मौली का मतलब मस्तक होता है, चंद्रमा है मौली पर जिसके, आप सेम लिख सकते हो शब्द, मस्तक लिख सकते हो। चंद्रचूड़, इसका करो विग्रह। चूड़ का मतलब जूड़ा बोलते हैं ना, वो चूड़ा होता है। तो चंद्रमा है चूड़े पर जिसके, ये आ जाएगा। अब चंद्र का पर्यायवाची बदल दो, इंदु शेखर कर दो, इंद्र इंदु मौली कर दो, तो वो भी ऐसे ही शब्द बन जाएंगे। और भी बहुत सारे शब्द हैं। एक इसका बहुत ही फेमस शब्द है नीलकंठ, माथा मस्तक, नीलकंठ। नीलकंठ ये हो जाएगा। इसका विग्रह करो नीलकंठ का। नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ शिव। विग्रह लिख लोगे ना, लिखने की जरूरत नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है पीतांबर। हाँ,
पीले हैं वस्त्र जिसके, आप है ना पीत शब्द भी लिख सकते हो, जो शब्द उसमें आया ना वो भी प्रयोग कर सकते हो, पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु कृष्ण भी लिख सकते हो, श्री राम भी लिख सकते हो। एक बार है ना HSSC में एक शब्द आया था कपि ध्वज, ये HSSC के कलर्क वाले पेपर में आ चुका है। कपि का मतलब वानर, कपि है ध्वज पर जिसके, अर्थात अर्जुन, अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया था ये। तो इसमें बहुव्रीहि समास है, वहां पे तो शायद ये पर्यायवाची के रूप में पूछा गया, अर्थ पूछा गया। कपि का मतलब वानर, हाँ। अब इससे मिलते जुलते शब्द आ जाए वृषभ ध्वज। वृषभ का मतलब बैल, वृषभ है ध्वजा पर जिसके, शिव। वृषभ का रिलेशन किससे है? शिव से ही से। गुरुड़ ध्वज, गुरुड़ है ध्वजा पर जिसके, विष्णु। मकर ध्वज, मकर है ध्वजा पर जिसके, कामदेव। कामदेव भी और समुद्र भी दोनों के लिए प्रयोग होगा। किसका? तो मकर मगरमच्छ को ही बोलते हैं, हाँ। तो मकर है ध्वजा पर जिसके, कामदेव की ध्वजा पर होते हैं और समुद्र की भी ध्वजा माने जाते हैं मगरमच्छ, इसलिए दोनों का पर्यायवाची होता है ये। एक आधा और कर लेते हैं, जैसे वीणा पाणी, हाँ वीणा है हाथ में जिसके, अर्थार्थ सरस्वती। अच्छा ये वाला शब्द समझ में आ गया तो दो तीन ऐसे ही बता दो। सूल पाणी, सूल है हाथ में जिसके, शिव। साथ में पर्यायवाची भी हो रहे हैं आपके, ये क्यों समझते हो कि ये सिर्फ समास में ही आ सकते हैं, ये शब्द पर्यायवाची में भी तो आ सकते हैं। वज्र पाणी बताओ, वज्र है हाथ में जिसके, इंद्र। अच्छा विष्णु का बनेगा चक्र है हाथ में जिसके, क्या बनेगा समास? चक्र पाणी, हाँ। एक बार शब्द आया था प्रज्ञा चक्षु, ये बताओ भाई। और ये एक मैं लिख देती हूँ, चक्षु सर्वा मिलता जुलता है इसलिए, हाँ। प्रज्ञा का मतलब ज्ञान, ज्ञान ही आंखें हैं जिसकी, इसका विग्रह क्या होगा? ज्ञान ही आंखें हैं जिसकी, अंधा व्यक्ति। अंधा व्यक्ति, इसलिए इसमें भी बहुव्रीहि समास है। और चक्षु का मतलब आंख, वैसे चक्षु का मतलब ज्ञान रूपी आंख होती है। आंखें ही कान हैं जिसके, कहने का मतलब ये है आंखों से ही जो कानों का काम लेता हो, कौन होता है ऐसे? जो आंखों से ही कानों का काम लेता, कान नहीं होते मतलब सांप। ये इसका पर्यायवाची, पर्यायवाची भी बन जाएगा चक्षु सर्वा सांप का और प्रज्ञा चक्षु अंधे व्यक्ति का। मेरे ख्याल में कर सकते हो ये, एक बार पढ़ के आ जाना, जो भी शब्द ना आए ना दोबारा पूछ लेना, उसी शब्द का मैं बता दूंगी मीनिंग क्यों है और कैसे है ये भी बता दूंगी साथ में। चलूं आगे? अगला है तत्पुरुष, और तत्पुरुष के दो भेद कर दिए थे हमने, पहले हम कर्मधारिया कर लेते हैं। कर्मधारिया की पहचान दो तरीके से की जाती है, या तो इसमें दोनों पदों में से एक पद विशेषण और एक विशेष्य होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे विशेषण और विशेष्य का संबंध, विशेषण और विशेष्य का संबंध ये बोलेंगे। या फिर इसमें होना चाहिए उपमेय और उपमान का संबंध,
उपमेय और उपमान का संबंध। पहले ये वाला देखो कि विशेषण और विशेष्य का संबंध कैसे होता है। एक पद विशेषण होना चाहिए, एक पद विशेष्य होना चाहिए। विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता, जो विशेषता बताता हो। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो, और जो विशेषता बताता है वो, ये दोनों पद साथ में आ जाए तो कर्मधारय समास है। अब एक शब्द लिखती हूँ मैं, आसान सा, लाल मिर्च। तो लाल शब्द ने किसकी विशेषता बताई है भाई? मिर्च की विशेषता बताई है। मिर्च कैसी है? लाल है। और ये दोनों पद साथ में आ गए तो यहाँ पे समास कौन सा होगा? कर्मधारय। विग्रह भी आना चाहिए, कर्मधारय का, बहुव्रीही का, इनका विग्रह भी इम्पोर्टेंट होता है, तो विग्रह भी करना है साथ में। बल्कि पढ़ना तो सबका है, लेकिन इनका विशेष रूप से पढ़ना है। लाल है जो मिर्च। अब ऐसे सारे शब्द आ जाएंगे, लाल मिर्च, काली मिर्च, पीली मिर्च, है ना, सब शब्द आ जाएंगे। और देखो इसमें उदाहरण, जैसे आ जाए शब्द उड़नतस्त्री। उड़नतस्त्री का विग्रह क्या होगा? उड़ती है जो तस्त्री। लिखे हुए हैं आपके उसमें किताब में ये सारे शब्द। शब्द आ जाए महात्मा। हाँ, यहाँ तो सिर्फ आत्मा की विशेषता बतानी है, तो इसके विग्रह अच्छे से कर लेना, महान है जो आत्मा। और इसका विग्रह आ जाए पेपर में, महान है आत्मा जिसकी। तस्त्री तो थाली को कहते हैं, पर ऐसा कहते हैं ना कि जो दूसरे ग्रह से विमान आते हैं वो गोल होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने गोल होते हैं और थाली भी गोल होती है, तो उसको एक ऐसे ही नाम दे दिया, उड़ने वाली थाली। तो ऐसे लगता है कि एक गोल थाली हो, वो उड़ रही हो, तो नाम दे दिया ये। तो ऐसे उड़न तस्त्री, उड़न खटोला, ये शब्द इसमें आएंगे। अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या में, बहुसंख्यक, बहुत है जो संख्या में, ऐसे शब्द आ जाएंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने कुछ उपसर्ग बताए थे आपको कि वो कर्मधारय में आएंगे। एक आधा उदाहरण उसमें से उठाएं, जैसे सु शब्द आ गया तो हम एक लेख, एक शब्द लिख देंगे सुमार्ग। हाँ, तो इसका विग्रह क्या होगा? अच्छा है जो मार्ग। हाँ, सुलोचन, अच्छे हैं जो लोचन। सुलोचना भी हो सकता है, सुलोचन भी, इसमें दोनों समास रहेंगे। अच्छे हैं लोचन जिसके, तो बहुव्री भी हो जाएगा। लोचन आंखें, आंखों को बोलते हैं, आंखों का पर्यायवाची है। तो ये जो शब्द है सुमार्ग, सुलेख, सुविचार, सुपुत्र, ऐसे सारे शब्द आएंगे फिर इसमें। सुलोचना शब्द है नहीं बहुव्री में, कोई ये सुंदर है नैन जिसके, यानी कोई भी स्त्री हो सकती है। थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि आप ये मत कहना कि एक ही होना चाहिए, वो कोई स्त्री हो सकती है ना, ये भी कोई पुरुष हो सकता है। अब ये शब्द बोल रहे हो ना, महान है आत्मा जिसकी, मतलब महात्मा का मतलब व्यक्ति नहीं लगा रहे आप, और महान है जो आत्मा, यहाँ पे तो आत्मा के बारे में ही बताया जा रहा है, और महान है आत्मा जिसकी, ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अंतर समझ रहे हो ना इसमें? तो सु से बने हुए सारे शब्द आ जाएंगे। कु भी तो लिया था हमने, कुमारग, कुपुत्र, कुलेख, कुपुत्र शब्द का विग्रह करना, बुरा है जो पुत्र, यह आ जाएगा। एक शब्द लिया था अध, अधमरा, इसका करो भाई, आधा है जो मरा, अधमरा, अधपका, अधगला, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। अधोलिखित का मतलब तो आता है नीचे लिखा हुआ, और उसमें अध शब्द नहीं होता है भाई, अधोलिखित में अध शब्द होता है, अध प्लस में लिखित, और इसमें संधि होएगी, ये एक उपसर्ग है, अव्यय है ये, अध शब्द, ये अव्यभाव समास में आएगा। और इस अध का मतलब होता है आधा, और इस अध का मतलब होता है निम्न, नीचे, दोनों में अंतर है। ये अव्यभाव में आएगा,
और ये अध का मतलब आधा और आधा शब्द विशेषण होता है, इसलिए ये क्रमधारय में आएगा। जो उपसर्ग विशेषण बन जाएंगे वो किस समास में चले जाएंगे? क्रमधारय। जो उपसर्ग विशेषण का काम करेंगे वो किस में जाएंगे? क्रमधारय। ध्यान रखोगे ना, ये विशेषण बनते ही क्रमधारय में चले जाएंगे। वैसे नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि एक विशेषण और एक विशेष्य हो तो क्रमधारय होता है, पर कुछ ऐसे शब्द आ सकते हैं कुछ कुछ जिसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। दोनों पद विशेषण यहां ही लिख देते हो, जैसे लाल पीला, रंगों के नाम सारे विशेषण होते हैं और इसमें दोनों रंगों के नाम है, लाल और पीला। लाल है जो पीला, ये तो क्रमधारय के अनुसार आ जाएगा, और क्रमधारय ऑप्शन में ना हो तो ये द्वंद्व समास में भी जाएगा। लाल और पीला, एक शब्द होता है पीला जर्द, जर्द का मतलब भी पीला ही होता है। एक शब्द होता है काला श्या, लिख लेना ये शब्द, काला है जो श्या, लाल है जो पीला, इसमें तो विग्रह ये कर लेना। दूसरा द्वंद्व में काला श्या, स्याही जो होती थी ना, स्या का मतलब स्याही, स्याही पहले काले रंग को ही बोला जाता था, बाद में किसी भी रंग के लिक्विड को स्याही बोलना शुरू कर दिया। जब ये शब्द बना था तो सिर्फ ब्लैक के लिए ही प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे कभी कभी दो विशेषण शब्द भी आ जाते हैं, ये दोनों में जाते हैं, क्रमधारय में भी और द्वंद्व में भी। ऑप्शन आपको एक मिलेगा, घबराना नहीं है कि ऑप्शन कौन सा लगाएं। उपमेय और उपमान, उपमेय का पता है जिसकी तुलना की जाए, दिख रहा है क्या? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। तो इसमें एक पद तो ऐसा होगा जिसकी तुलना की जाएगी और दूसरे पद से की जाएगी, और दोनों पद साथ में हो तो क्रमधारय समास होगा। उदाहरण देखो इसके, जैसे शब्द आ जाए कमल नयन, तुलना किसकी की गई है इसमें? नयन की, और किसके साथ? कमल के साथ। एक शब्द की दूसरे से तुलना, क्रमधारय हो जाएगा। एक शब्द है चरण कमल, इसमें किसकी तुलना की गई है? चरणों की गई है, किसके साथ? कमल के साथ। संसार सागर, तुलना किसकी की गई है बताओ? संसार की, किसके साथ? सागर के साथ। तो सागर शब्द क्या हुआ, उपमेय या उपमान? सागर से तुलना की गई तो उपमान हो गया। तो हम छोटा सा यहां लिख लेते हैं, ये उपमान है। अच्छा, इसमें उपमान क्या है? कमल है। और इसमें उपमान क्या है? कमल है। यहाँ आ गया तो कुछ में पहले आ रहा है और कुछ में बाद में आ रहा है, दोनों तरफ आ सकता है उपमान। एक आधा और लिख लेते हैं, एक शब्द है नरसिंह, इसमें किसकी तुलना किससे की गई है? नर की तुलना सिंह से। भाई नरसिंह और नरसिंह दोनों ठीक होते हैं, दोनों शुद्ध हैं, जो मर्जी आपका लिख सकते हो। अब देखो इसमें विग्रह करेंगे हम, विग्रह करते समय उपमान को पहले लिखना होता है, उपमान को पहले लिखेंगे। इसमें उपमान है कमल, तो कमल को पहले लिखो। अगर उपमान पहले दे रखा था तो के समान आएगा यहाँ पे, कमल के समान नयन। इसमें उपमान बाद में लिख रखा है पर विग्रह करते समय पहले ही लिखना है, तो ये आ जाएगा कमल। यहां रूपी शब्द जोड़ दो, बाद में उपमान दे रखा हो ना और उसको पहले लिखना हो तो रूपी शब्द जोड़ते हैं हम, कमल रूपी चरण, ये तो लिखो।
अच्छा इसका विग्रह आप करो, आप संसार सागर का, सागर रूपी संसार। नरसिंह इस शब्द का करो, सिंह। अच्छा सिंह तो बाद में आया है ना, जिसकी तुलना की गई उपमान बाद में, बाद में से पहले उठाएंगे तो रूपी शब्द जोड़ेंगे हम, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, सिंह रूपी नर, नरी सिंह हो चाहे नरसिंह हो, यहां नर शब्द ही आएगा। तो ऐसे एक उपमेय और एक उपमान हो तो भी क्रमधारी है, और एक विशेषण और दूसरा विशेष्य हो तो भी क्रमधारी। वचनामृत, वचनामृत का मतलब क्या है, वचन जो है ना वो अमृत के समान है, तो यहाँ पे विग्रह क्या हो जाएगा, अमृत रूपी वचन, ये भी हो जाएगा। हाँ वचन प्लस में अमृत दृग संधि हो गई है यहाँ पे, वचन जो शब्द होगा उसमें न में ए मिला हुआ है और अमृत का ए मिलके आ हो जाएगा यहाँ पे, कर सकते हो ये। 2019 में था या पता नहीं 17 में था, एक शब्द आया था भाई कुशासन, इसके बारे में बता देती हूँ मैं, कुशासन आया हुआ शब्द है ये, हाँ कुशासन, इसका विग्रह क्या हो गया, बुरा है जो शासन। आप ऐसे विग्रह करते हो ना, बुरा है जो शासन, तो ये क्रमधारय हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन इसका विग्रह ऐसे भी तो हो सकता है, कुश प्लस में आसन, ये भी तो संभावना है इसमें, कुश प्लस में आसन, कु प्लस में शासन भी ठीक है, क्रमधारय में आ गया, कुश प्लस आसन भी तो ठीक है। अब इसका अर्थ हो गया कुश से निर्मित शासन आसन, कुश का मतलब डाब होता है, कुशानी होती डाब, जिस सुनी है ना डाब, तो इसका विग्रह हो जाएगा कुश निर्मित आसन, शासन नहीं आसन, कुश निर्मित आसन। तो इसके दो अर्थ हैं भाई, एक तो इसका ये अर्थ, ये तो बहुत ही काम, नहीं तो वो बता रही हूँ ना मैं भी। अच्छा कुश क्या लिखा था यहाँ पे, कुश प्लस में आसन, कुश निर्मित आसन, तो यहाँ कुश आसन का मतलब क्या है, एक आसन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ना, बिछाने के लिए कुछ, उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे मध्य पदलोपी तत्पुरुष आएगा, आगे कल करवाऊंगी मैं आपको मध्य पदलोपी तत्पुरुष क्या होता है, पर इसका विग्रह दे देना, बुरा है जो आसन, या फिर इसका अर्थ किसी लाइन से ये लग रहा हो, बुरा शासन, ये अर्थ निकल रहा हो ना, तो ये किस में चला जाएगा, कर्मधारय में चला जाएगा। तो वहां पे एक लाइन दी हुई है, भक्त ने कुशासन पर बैठकर प्रार्थना की, ऐसे कुछ लाइन दी हुई है इसमें। अब कुशासन पे बैठ के प्रार्थना की है, तो कुशासन का मीनिंग क्या निकल रहा है, वहां पे आसन निकल रहा है ना, और आसन जब इसका अर्थ निकलेगा तो विग्रह कौन सा काम में आएगा, ये वाला, तो इसमें कौन सा समास हो गया, मध्य पदलोपी तत्पुरुष। और जब कुशासन का अर्थ बुरा शासन निकलेगा तो तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्रमधारय। समझ में आया, ये आगे करवाऊं, टाइम बचा है क्या, देखो 5 मिनट बची है, एक आधा कर लेते हैं, आसान सा करवा देती हूँ, मेरे ख्याल में मध्य पदलोपी तत्पुरुष ही करवा देती हूँ, है ना, समझ में भी आएगा। मध्य पदलोपी तत्पुरुष, मध्य पद का मतलब बीच का, और लोपी का मतलब लोप हो जाना, बीच का पद लोप हो जाना, या इसको बोलते हैं लुप्त पद तत्पुरुष, ये भी बोल सकते हैं इसको।
तो समास करते वक्त ये कार्य होगा। पहले इसका विग्रह देखते हैं हम। विग्रह से ही शुरुआत होती है आमतौर पे। तो विग्रह है रेल पर दौड़ने वाली गाड़ी। रेल पटरी को बोलते हैं भाई, रेल पर दौड़ने वाली गाड़ी। समास क्या होगा इसका? रेलगाड़ी। तो क्या काटा है आपने? बीच वाले पद काट दिए, है ना? ये बीच वाले क्या काट दिए? पद काट दिए। तो इसका नाम क्या है? मध्यपदलोपी तत्पुरुष। आसान सा है ना, कुछ आसन भी डाल लेना। या लिखूं दोबारा? लिख देती हूँ। कुश निर्मित आसन, और ये शब्द बन जाएगा कुशासन। यानी इसमें कौन सा पद काट दिया भाई? निर्मित काट दिया। एक शब्द है घृतान। घृत में पका हुआ या बना हुआ दोनों लिख सकते हो। घृत में पका हुआ अन्न, और ये शब्द क्या बन जाएगा? घृतान। आ चुका है ये 2014 में, आया काफी पहले था। घृत को मतलब घी, हाँ, घृत का मतलब होता है घी, घी होगा। एक शब्द है भाई छाया तरु, इसका विग्रह कर सकते हो आप? छाया तरु, तरु माने पेड़ होता है। छाया तरु का विग्रह होगा छाया प्रधान तरु, यानी ऐसा पेड़ जिसमें फल प्रदान नहीं है, छाया प्रदान है। इसमें प्रदान शब्द को काट दिया। ऐसे शब्द आ जाए वन मानुष, तो उसका विग्रह क्या होगा? वन में रहने वाला मानुष। जल कौवा, जल में रहने वाला कौवा। पनडुब्बी, पानी में डूब कर चलने वाला। पोत या डुब्बी दोनों शब्द लिख सकते हो। पंचक्की, पानी दोबारा चलने वाली चक्की। और पवन चक्की, पवन दोबारा चलने वाली चक्की। तो बीच वाले पदों का क्या कर रहे हैं हम? लोप कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मध्यपदलोपी तत्पुरुष। कितना आसान है। या लुप्त पद तत्पुरुष बोल सकते हो, है ना आसान। और देखो आगे कर दूं आगे। न्य तत्पुरुष पत्ते को बोलते हैं। पर्णशाला, पत्तों से बनी हुई शाला या कुटिया। न्य तत्पुरुष बहुत आसान है ये भी। अच्छा, न्य जो शब्द होता है ना, इसका मतलब न्य, कोई चीज ना होना, किसी चीज का अभाव होना, वो न्य तत्पुरुष में आता है। तो इस शब्द के जो शब्द, इस समास के जो शब्द होंगे, उनमें सबसे पहले या तो ए मिलेगा या अन मिलेगा, अलंत वाला, या अन ये भी मिल जाएगा, ना भी मिल जाएगा। शब्द जैसे ए धर्म, ये न तत्पुरुष का उदाहरण है। अज्ञान, ये भी हो जाएगा। अन्याय, ये भी हो जाएगा। अनधिकार, ये भी है। अनावश्यक, एक शब्द है। इम्पोर्टेंट, अनुदार, नालायक, नापसंद, नास्तिक, ऐसे शब्द आते हैं। तो इसमें पहचानना हो, इसमें ए आ गया, ए ए, इसमें क्या है? अन, इसमें भी अन है, इसमें भी अन है, इसमें ना है। और एक आधा मैं पूरे न वाला और लिख देती हूँ, जैसे अनपढ़, इसमें पूरा न आता है। अनबन, अनजान, अनहोनी, ये शब्द आ गए। ऐसे भी शब्द आ जाते। अब इनका विग्रह कैसे करते हैं? ये तो सामासिक पद हो गए, पहचानने का तरीका हो गया।
कि जिसका पहला जो अव्यय है वो ए, अन, अन या फिर ना हो। विग्रह कैसे करेंगे? ए धर्म, धर्म का अभाव है तो विग्रह है ना, न धर्म होगा यहाँ पे। विग्रह क्या होगा? न धर्म। इसका क्या होगा फिर? न ज्ञान। इसका करो न न्याय, भाई बोलते जाओ आप। इसका करो बोलो न अधिकार। हिंदी जो है ना बोल बोल के पढ़नी चाहिए। इसका न आवश्यक। और इसका, इसका करो आप न उदार। और इसका न लायक। और इसका भी न पसंद। ये हो जाएगा इसका न पढ़। और इसका न बन, न जान। ये हो जाएगा। और ये समास, ये सामासिक पद हो गए, ये किसका उदाहरण बनेंगे? न तत्पुरुष। आसान सा है ना ये भी, उदाहरण में न लगाना आपको। अच्छा बाय, हाँ इन चार से बनते हैं मोस्टली, लेकिन कई बार है ना बे शब्द दे दें, बे शब्द, जैसे बे धड़क। तो यहाँ पे धड़क के बिना, यानी धड़क का अभाव हो गया, तो ऐसे ये शब्द भी कई बार रेयर केस में आ सकते हैं। अभाव जहाँ पे दर्शाया जाए वहाँ पे न तत्पुरुष होगा। ये विग्रह ऐसे होता है इसका, पर बाई चांस पेपर में न शब्द दे दिया अभी, न धर्म, तो ये राइट माना जाएगा फिर, वहाँ पे गलत नहीं है। ये न्याय शब्द आया हुआ है ना, तो पहले न्याय वाला ही ऑप्शन में होगा। हो सकता है पेपर में सीधा यूँ पूछ ले न्याय तत्पुरुष, ये भी ठीक है, पर पहला उत्तर हमेशा ये जिसके साथ है वो रहेगा। और इनमें से कोई आ गया, मान लो ना अनावश्यक शब्द आ गया, तो पेपर में आपको न्याय तत्पुरुष मिल जाएगा। न्याय तत्पुरुष ना मिले, सिर्फ ये दे दे बहुव्रीही अविभाव तत्पुरुष या द्वंद्व, तो फिर कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। जिस समास के पीछे तत्पुरुष जुड़ गया ना, वो अंततः तत्पुरुष का तो भेद माना ही जाएगा। ठीक है, बाकी कल करते हैं।